रंग बिरंगे पर्व होली की धूम भारत में चारों तरफ दिखाई दे रही है। इस साल होली का त्यौहार 29 मार्च को मनाया जाएगा। होली का दहन छोटी होली 28 मार्च को है। ये पर्व फागुन महीने की पूर्णिमा को आता है। होली के साथ विभिन्न तरह की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप था। वह खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि हर कोई भगवान की तरह उसकी पूजा करे। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया और उनकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दी। इस बात से नाराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई सजाएं दी जिनसे वह प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे प्रहलाद के साथ चिता पर बैठेंगी। ऐसा कहा जाता है कि होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी ना था। जैसे ही आग जली वैसे ही वह कपड़ा होलिका के पास से उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया। इसी तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। अगले दिन हम अपने परिजनों को रंग लगाकर त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का मजा लेते हैं। सड़कों पर गुलाबी पीला हरा और लाल रंग बिखरा दिखाई देता है और लोग अपने दोस्तों और परिजनों को त्यौहार की बधाई देते हैं। ईशान न्यूज नेटवर्क की ओर से आप सभी को होली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।